भारत की धरती पर चीतों को देखने का इंतजार पर्यटकों के लिए नए साल में खत्म होने वाला है। जी हाँ, कुनो नेशनल पार्क में लाए गए चीतों को फरवरी में खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा। बता दें आपको कि फिलहाल चीते दर्शकों की नजर से दूर बड़े बाड़े में शिफ्ट कर दिए जा चुके हैं। उनके व्यवहार में बदलाव आने तक दर्शकों और उनके बीच काफी दूरी रखी गई थी, लेकिन अब जल्द ही चीतों को टूरिस्टों के दीदार के लिए खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में। अब वाइल्ड लाइफ सफारी के शौकीन टूरिस्ट फरवरी में कुनो में चीते देखने जा सकेंगे। जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के शुरू में 500 हेक्टेयर के बड़े बाड़े से चीतों को अब खुले में छोड़ा जाएगा और फरवरी से टूरिज्म शुरू हो जाएगा। सीएम शिवराज के मुताबिक अभी तक सभी चीते स्वस्थ हैं और शिकार भी कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ सफारी को बढ़ावा देते हुए सरकार चीता टूरिज्म डेवलप करने के लिए शहरी आदिवासी परिवारों को होम स्टे चलाने की ट्रेनिंग भी दे रही है। चीतों के आने के बाद कुनो में टूरिस्ट की संख्या बढ़ी है। अहेरा और पीली बावड़ी साल भर में मुश्किल से 20 से 30 गाड़ियां आती थी, वहीं सितंबर के बाद से हर दिन 3-4 गाड़ियां आती हैं, जबकि फॉरेस्ट सफारी के लिए टिकटोली गेट से पिछले साल 1200 गाड़ियां आई थी। चीता सफारी के लिए नियम टाइगर रिजर्व की तरह ही होंगे। सुबह और शाम की शिफ्ट में सफारी होगी। विदेशी पर्यटकों के लिहाज से इन दिनों वहां 60 गाइड्स को अंग्रेजी भी सिखाई जा रही है। INS 24/7 के लिए भोपाल से प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट।